सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका PZ एडिटिंग चैनल में। तो आज हम लोग कुछ इस फोटो को एडिट करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलेंगे हम स्नैपशीट में। सॉरी दोस्तों, पूरा वीडियो स्नैपशीट में ही बनाया गया है। सबसे पहले शेयर कर लेते हैं स्नैपशीट में। स्नैपशीट में शेयर करने के बाद हम लोग पेंसिल वाले आइकन को क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सिलेक्टिव वाले पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों, जहाँ भी आपको डार्क दिखेगा उस जगह को सिलेक्ट करके कुछ साइज को कुछ इस तरह से मेंटेन कर देना होगा, कुछ इस प्रकार से। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ ठीक वैसे ही आपको भी अप्लाई करना है। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर सिचुएशन को थोड़ा सा माइनस कर देंगे, दूसरे पैर पे भी कुछ ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना है और ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे और सिचुएशन को थोड़ा सा माइनस कर देंगे। और बिफोर देन आफ्टर अपनी फ़ोटो कुछ इस टाइप से हो चुकी है। फिर से पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद विंटेज वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर 12 वाले नंबर को सिलेक्ट करना है और सिचुएशन को फुल माइनस कर देंगे कुछ इस प्रकार से, और फिर राइट क्लिक पर क्लिक कर देंगे। फिर व्यू एडिट पर क्लिक करके पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी फ़ोटो को कुछ इस प्रकार से हटा लेंगे, वाइट को हटा लेंगे। चलिए दोस्तों, मैं इसको जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, आप लोग धीरे धीरे कीजिएगा अच्छे से। दोस्तों, पूरी बॉडी को हमने क्लीन कर लिया है और यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे ऐसे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। एक्सपोजर पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से PNG को ऐड करेंगे। हम लोग इस वाले PNG को ऐड करेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर इस बीच वाले आइकन को क्लिक करेंगे और ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद दूसरा PNG हम लोग ऐड करेंगे ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ पर है दोस्तों ठीक उसी, और यहाँ से ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोग तो हमारे फोटो एडिट हो चुके।